नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम जानेंगे बच्चों को सोना खिलाने के फायदे, यानी कि जिसको स्वर्ण प्राशन कहते हैं, उसके क्या फायदे हैं और ऐसा क्यों किया जाता है। और दोस्तों आयुर्वेद में सोने का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। सोने को मेमोरी में सुधार करने और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि राजा महाराजाओं का खाना सोने के बर्तनों में परोसा जाता था। एक और बात यह भी प्रचलित है कि पत्थर पर सोने के आभूषण रगड़ने के बाद उसे पानी से धो दिया जाता है और उस पानी को बच्चों को पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होता है और इस तकनीक को आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका क्या महत्व है और ऐसा क्यों किया जाता है, इसके क्या रीजंस हैं। परंपरागत रूप से स्वर्ण भस्म या कच्चे सोने को थोड़े से पानी के साथ साफ पत्थर पर रगड़ा जाता है। इस पानी में शहद और घी मिलाकर बच्चे को चटाया जाता है और कई जगहों पर स्वर्ण भस्म का वाचा चूर्ण ब्रह्मी जड़ी बूटी के साथ मिलाकर बच्चे को दिया जाता है। और बच्चों को सोना खिलाने के जो लाभ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, रिकरेंट इन्फेक्शन, अस्थमा और अन्य एलर्जी आदि समस्याएं इससे रुक जाती हैं। इसके अलावा यह बच्चों की मेमोरी में भी सुधार करने का एक बेहतर उपाय है, ध्यान अवधि बढ़ाने, एकाग्रता और सीखने की क्षमता में सुधार में मदद करता है। स्वर्ण प्राशन तकनीक का एक महीने तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने से बच्चा बुद्धिमान बनता है। अगर नियमित रूप से 6 महीने तक इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है और स्पीच में सुधार होता है। और इसकी डोज देख लेते हैं दोस्तों क्या होनी चाहिए। 5 साल तक के बच्चे को स्वर्ण भस्म की रोजाना 1 से 3 मिलीग्राम खुराक देनी चाहिए। इसे सुबह के समय खाली पेट देना चाहिए और क्योंकि सोना अत्यंत बायो कंपेटेबल होता है और ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरी चीजें पिलाने, चटाने या खिलाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें और उसके बाद ही आप ये प्रयोग शुरू करें। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो आप ये जरूर करके देखें और अपने जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करें।